हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और कल की अपडेट के बाद तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी जो परेशानियां हैं, वो हमारे सभी फाउंडर्स की जो है लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर अभी भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो मैं समझूंगा कि आपने वेबिनार को ठीक से ना तो देखा और ना ही समझा। गलत लगने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि उस हमारे लास्ट वेबिनार के अंदर एक भी ऐसी परेशानी या एक भी ऐसी प्रॉब्लम एस मुफारे सर ने छोड़ी ही नहीं जो कि आपकी समस्या का हल ना मिला हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अब यहां से खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, ऑन पैसिव का खेल पूरी दुनिया अब देखने वाली है। हमारे इस इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के फाउंडर्स हैं। प्रकार का मतलब अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है, और कुछ हमारे ऐसे भी फाउंडर हैं हमारे इस दुनिया के अंदर, और खास तौर से अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो जिन्होंने बहुत सारा पैसा इधर उधर से उधार लेकर के अपनी फाउंडरशिप ली थी। अब आपको ब्लेसर ने क्या बताया था मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी ऑन पैसिव की, जिसकी वजह से आपने वो फाउंडरशिप ली। चाहे आपने अपना जेवर गिरवी रखा हो, चाहे आपने अपनी भैंस बेचती हो, चाहे आपने किसी से कर्ज लिया हो, चाहे आपने किसी से पैसे जो उधार लिए हो, ब्याज पे लिए हो, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन आपको कोई ना कोई बात तो ऐसी टच जरूर की होगी आपके दिल को, आपके दिमाग को, जिसकी वजह से आपने उस समय ये फाउंडरशिप को ले लिया था। और ये फाउंडरशिप ही नहीं बल्कि ये आपकी जीत का आगाज था ऑन पैसिव के अंदर। जैसा कि हम कई वर्षों से, यानी कि पिछले 3 साल से 4 साल से सुनते आ रहे हैं कि जो अंदर है वो सिकंदर है। अगर आप इसके अंदर आ गए हैं तो आप जीत चुके हैं। आप बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सही तरीके से एंगेजमेंट बना करके रखनी है। तो बहुत सारे हमारे जो फाउंडर्स थे, सबसे बड़ी समस्या उनकी थी वो थी सबसे बड़ी समस्या कि हम पैकेज को कैसे बाय करेंगे। क्योंकि 2-4 स्टूडेंट्स की कॉल भी मेरे पास आ जाती हैं दिन भर में, वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि सर मैं दूसरे लोगों को, अपने ब्लेसर को भी फोन लगाता हूं और दूसरे कुछ और भी हमारे लीडर्स हैं जिनके नंबर मेरे पास हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं आपको फोन करता हूं तो आप फोन उठा लेते हैं और थोड़ी देर बातचीत भी हो जाती है तो मन को तसल्ली मिल जाती है। तो जब उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि सर हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने पैकेज को कैसे बाय करेंगे, अगर पैकेज को हम बाय नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इनकम कैसे कमा पाएंगे। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है कोई, किसी लाइब्रेरी का कोर्स कर रहा है कोई, किसी और सेक्टर का डिप्लोमा हासिल कर रहा है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ हमारे गरीब फाउंडर्स भी हैं कि उन्होंने किसी से कर्ज लेकर के उन्होंने बड़ा मुश्किल से फाउंडरशिप ली थी, लेकिन अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पैकेज को बाय कर पाए। और एक और सबसे बड़ी समस्या लोगों के मन में आ रही थी कि पता नहीं पैकेज कितने का होगा, $100 का होगा, 200 का होगा, 300 का होगा, 400 का होगा, ये भी पता नहीं है अभी। ये तो अभी एसएन ने भी नहीं बताया है कि कितने का होगा पैकेज, लेकिन अगर आपने वेबिनार को सही सलामत देखा है, सही तरीके से आपने देखा है, तो कुछ हिंट हम लोगों के लिए काफी होती है, समझदार को इशारा काफी होता है कि हमारा पैकेज जो है कितने डॉलर के आसपास हो सकता है। बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है और ना ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो यहां पे फाउंडर्स के जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या को एस मुफारे सर ने चुटकी में दूर कर दिया, यूं चुटकी में दूर कर दिया, एक घंटे में, यानी कि एक घंटे के अंदर ही बस उन्होंने एक बात कही कि बस ये जो $97 है वो आपकी झोली में आ रहे हैं, ये आपके इकोसिस्टम में दिखाई देंगे, आपके ये माय वॉलेट के अंदर दिखाई देंगे, ये $97 मैं सबको देने वाला हूं। $100 मिलियन का जो एक पूरा का पूरा जो फिगर उन्होंने दिखाया था अपने पॉपअप के अंदर, उसका सही मतलब अब समझ में आ चुका है। ये था उसका सही मतलब कि हम सब लोगों के वॉलेट के अंदर जो $97 वापस आ रहे हैं, ये वापस इसलिए आ रहे हैं ताकि आप अपने पैकेज को बाय कर सकें, ताकि आप अपने पैकेज को जो है सही सलामत सही तरीके से खरीद सकें और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकें। ये पैसे जो आप $97 जो आने वाले हैं, ये विथड्रॉ नहीं हो सकते, ये विथड्रॉ नहीं होंगे। हमारे 10 क्रेडिट ऑलरेडी उसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन 97 क्रेडिट्स और भी हमारे पास आने वाले हैं, तो 107 क्रेडिट्स हमारे पास हो जाते हैं। और
मुझे लगता है कि इसी के आसपास कुछ होना चाहिए हमारे पैकेजेस का। अगर इसके ऊपर कुछ होता है, 10, 20, 30, 50 डॉलर और भी कुछ होता है या आसपास में भी हो सकता है, अभी क्लियर तो कुछ भी नहीं पता, तो इतना तो भाई इंतजाम कर लेंगे। अगर 10, 20 डॉलर आगे पीछे हो गया तो इतना तो लोग इंतजाम कर लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा इंतजाम कैसे कर पाते लोग, बहुत सारी समस्या थी। लेकिन एस सर ने एक चुटकी में हम सब लोगों की समस्या को दूर कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है एस मुफारिज सर की, ये सबसे बड़ा दिल है उनका कि उन्होंने ऐसा हम सब लोगों के बारे में सोचा है। फाउंडर्स की जो समस्या थी उसको एक चुटकी में हल कर दिया। और यूं कहें, आपने कहावत तो सुनी होगी कि धैर्य का फल और समस्या का हल, धैर्य का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं या और भी लोग वीडियोस बनाते हैं तो आप सब लोग कमेंट करते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जो कमेंट करते हैं वो आप कमेंट करिए, जो अगर मैनेजमेंट के पास भी जाए तो उनको लगे कि हाँ वास्तव में हमारे फाउंडर्स को एक जेन्युइन समस्या है और उस समस्या के बारे में हमारी मैनेजमेंट एस मुफारिज सर या उनकी जो टीम है वो बैठ के विचार करेगी। तो इसलिए बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं, तरह तरह के सवाल आते हैं, फिर हम उस पर वीडियोज बनाते हैं, तो ये सारी चीजें एस मुफारिज सर के पास पहुंच जाती हैं। और जब पहुंच जाती हैं तो उस पर विचार होता है, मंथन होता है और मंथन के बाद रिजल्ट भी निकलता है। और एस सर ने एक ही झटके में हम सब लोगों को ये बम्प दे दिया, ये ब्लास्ट कर दिया, ये हम सबकी समस्या का हल उन्होंने एक ही झटके में दे दिया। फाउंडर्स को हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। अब आपको कोई भी सवाल अगर आपके मन में आता है तो मैं कहूंगा कि आपने वेबिनार को ठीक से देखा नहीं है, या फिर हमने जो अपडेट्स वगैरह दी हैं आपने हमारी अपडेट को भी जो है ठीक से सुना नहीं है, या फिर आपने वेबिनार को ठीक से समझा भी नहीं है। और हमारे बैक ऑफिस के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जा करके आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं। सभी फाउंडर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से आईडी लगाई थी। लेकिन एक और समस्या थी यहां पे, जी हां एक समस्या, इसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा कि एस सर को जो है हम सब लोग थैंक्स तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये थैंक्स काफी है उनके लिए, क्या ये थैंक्स काफी है उनके लिए? आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो हम जो थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक यू एस मुफारिज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आज उनके लिए काफी नहीं है। एक छोटा सा शब्द रह गया है, ये मान के चलिए कि आज उनका जो उन्होंने हम सबके ऊपर जो एहसान किया है या जो इतना बड़ा ऋण उन्होंने हमारे ऊपर दिया है, इसका आप किसी भी तरीके से चुका नहीं सकते। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का हल उन्होंने निकाल के दिया है। आज अगर हम थैंक यू बोलते भी हैं एस सर के लिए, टीम के लिए और भी जो उनकी एलसी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए, तो आज ये शब्द कुछ भी नहीं है, आज ये शब्द एक छोटा सा शब्द बन के रह गया है। आज अगर आप आज यू कहें कि हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, आज हमारे पास एक भी शब्द नहीं है बोलने के लिए, बिकॉज क्योंकि अब हमारी वो घड़ी आने वाली है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और एस मुफारिज सर एक वो शख्स निकले हैं कि जिसका शायद हम तो शायद कुछ और सोच रहे हो, आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन उन्होंने जो सोचा है हम सब लोगों के लिए वो शायद हम कभी भी नहीं सोच पाए। क्या हमने सपने में भी सोचा था कि हम सब लोगों के वॉलेट के अंदर या इस टाइप का जो 100 मिलियन डॉलर जो होगा वो हम सब लोगों में बढ़ जाएगा? क्या हमने कभी सोचा था? नहीं। इंसान वही है जो दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझता है, इंसान वही है, अदरवाइज जो दूसरों की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझता वो इंसान नहीं है। और आज तक किसी कंपनी ने ऐसा ना तो कभी किया और ना ही कभी सोचा, करने की तो बात तो दूर, अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसा सोचा तक नहीं जो ऑन पैसिव ने फाउंडर्स के लिए सोचा। आज बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि उनके पास रोज एक वक्त की रोटी जो है खाने के लिए भी जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनको दो वक्त की रोटी मिलती है, और फिर उनके अगर वो शादीशुदा हैं तो एक दो बच्चे भी होंगे उनके, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों के मनों में बस एक ही होप थी, एक ही आस थी कि सर एप्पल्स कब से आएंगे, एप्पल्स कब से आएंगे, वो अब सारी समस्याएं हम सब लोगों की फाइनली दूर हो चुकी हैं। जी हाँ, फाइनली दूर हो चुकी हैं। तो आप एस मुफारिज सर को धन्यवाद दीजिए, और अगर आप मन से भी कहते हैं तब भी ये ब्रह्मांड में जाकर के उनसे टकरा जाती है। अब यहां पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा अपने लास्ट में, बात को खत्म करते करते, कि उनका क्या जिन्होंने लास्ट में
जिन्होंने जिसके दूसरे के कहने पर कैंसिल मेंबरशिप के बटन पर क्लिक करके अपनी फाउंडरशिप को खुद वापस लिया था, उनका क्या होगा? वो क्या सोच रहे होंगे उनके अपने बारे में? जिन्होंने ऐसे दो तीन और भी लोग थे जो नेगेटिव वीडियोस बनाते थे, दो तीन और भी लोग थे जो नेगेटिव वीडियोस बनाते थे, नाम लूं मैं उनका? मैं नाम नहीं लूंगा, चलो खैर मैं नाम ले ही देता हूं। एक तो वो राठौर साहब करके कुछ है, एक सुनील पोर करके था, और एक हमारा था ऑनेस्ट क्रिटिक करके, वो हमेशा अपडेट की मतलब रिव्यू ही करता रहता था। तो इस टाइप के जो लोग थे ना, इनके बहकावे में आकर के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने कैंसिल मेंबरशिप पे बटन पे क्लिक करके अपनी फाउंडरशिप को कैंसिल करा लिया था। आज वो क्या कर रहे होंगे? आज वो एक कोने में बैठ करके रो रहे होंगे। हम रो रहे हैं, हमारे आंखों में आंसू निकल रहे हैं, वो खुशी के आंसू, लेकिन उनके कोने में बैठ करके जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं वो उनके दुख के आंसू हैं कि मैंने क्या कर दिया। इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, आज वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आज जिन्होंने अपनी एक ही आईडी थी और उसको भी कैंसिल करवा लिया, और उनका शायद रिफंड मिल भी गया होगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा, लेकिन आज वो 100% जो पछता रहे होंगे, और खास तौर से ये सोच के पछता रहे होंगे, यार हमने तो रिफंड ही ले लिया, यहां तो कंपनी ने सभी का वापस कर दिया। यही होता है सरप्राइज, यही होता है कि एस मुफारिसर क्या सोच के आए हैं इस दुनिया के अंदर, और क्या सोच के यहां पे ऑन पैसिव के अंदर क्या होने वाला है। अभी ये तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो आगे देखते जाओ कि होता है क्या क्या। और हो सकता है कि ये जो $97 हैं, ये हमारे 1 जून से पहले पहले हमारे वॉलेट के अंदर, यानी कि माय वॉलेट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर ये दिखाई दे जाएं। तो यहां पे अगर मैं बात कहूं कि यहां पे जो $97 जो हर एक फाउंडर के माय वॉलेट के अंदर आने वाले हैं, तो ये बिन बादल बरसात से कम नहीं है। यहां पे बिन बादल बरसात हो रही है, और बिन बादल बरसात हो चुकी है, और सभी फाउंडर्स के वॉलेट के अंदर, माय वॉलेट के अंदर ये $97 बहुत ही जल्दी क्रेडिट, यानी कि 97 क्रेडिट बहुत ही जल्दी ये दिखाई देने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं कि यहां पे इतना बड़ा कुछ होने वाला है जितना शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। शायद इतना बड़ा यहां पे होने वाला है जो हमारी कल्पना से परे होगा। इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू हमारी होने वाली है जो शायद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होने वाली है, और जो हम सब लोगों से बातें कही जाती है कि आप अपने एरिया के जो है एक चीफ गेस्ट के रूप में हमेशा जो है माने जाएंगे, लोग आपको बुलाया करेंगे, तो ऐसे भी दिन जो है हम सब लोगों के आने वाले हैं। सो इसलिए यहां पे अगर मैं ये कहूं कि हमारे इस वॉलेट के अंदर बारिश होने वाली है, तो ये किसी भी अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ओके, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपकी सारी समस्याओं का जो हल निकल गया होगा, और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पैकेज को खरीदने की, वो हमारे एस मुफारिसर ने जो है एक ही चुटकी में जो है उसको दूर कर दिया है, एक ही चुटकी में उसको दूर कर दिया है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। ऐसी बने रही मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो जो है मैं अब आपके लिए हमेशा यहां पे लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट।